Hi guys, welcome back to my channel Kusum's Corner. Hope you all are doing great. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon ड्रेस एंड बैग हॉल वीडियो और ये एकदम परफेक्ट है समर्स के लिए. अगर आप बीच वकेशन पे कहीं जाने वाले हैं तो वहाँ के लिए सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहेंगी. इसमें सारी ड्रेसेस है, बस एक ही बैग है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो इन सभी का आपको एक सिंगल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई होल स्टोर के नाम से. उससे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आज दिखाई जाने वाली सारी ड्रेसेस और बैग की जो पिक है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी. उनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद आती है उस पर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको Amazon की साइट पर ले जाएगा. उसके बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं और आपको सेपरेट लिंक्स भी इन सभी प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे. तो जिस भी लिंक के थ्रू आपको शॉपिंग करना कन्वीनियंट लगता है उस लिंक के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं. अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दीजिएगा. उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा और इस तरह से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे. तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है. हल्का सा बुखार और जुकाम हो चुका है मुझे. जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है. पानी आ रहा है आँखों में से और नाक में से भी, और मेरा साइड वाला जो मेकअप है सारा ख़राब हो चुका है. लेकिन ये वीडियो तो बनानी थी क्योंकि प्रोडक्ट जो होते हैं ना अमेज़ोन पे बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाते हैं. फिर मैं इनका आपको लिंक देती हूँ आपको, क्योंकि स्टॉक आउट होने के बाद वो प्रोडक्ट्स का लिंक भी देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देता है. क्योंकि अमेज़ोन पर अगर कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है तो उसकी पिक भी नज़र नहीं आती है. फिर आपको लगता है कि मैंने लिंक ही नहीं दिया, जबकि मैं सभी प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ. सो अब मैं जल्दी से आपको साइड ड्रेसेस और ये बैग दिखा देती हूँ. साइड ड्रेसेस है, बस एक ही बैग है. तो सबसे पहली जो ड्रेस है वो मैंने गलती से दो परचेज कर ली, देख सकते हैं सेम. तो एक को तो मैं रिटर्न कर दूँगी. तो जो सबसे पहली ड्रेस है वो कुछ इस तरह के ब्यूटीफुल प्रिंट में है. ये प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इसका फैब्रिक भी अच्छा है, ये पॉलिएस्टर फैब्रिक में ड्रेस है एंड ये नी लेंथ की ड्रेस है. फॉर रेफरेंस मैं अपनी हाइट बता दूँ, मेरी जो हाइट है वो है 5'5" और मुझे ये नी लेंथ तक की आ रही है. तो इस ऑल ओवर ड्रेस में ये ब्यूटीफुल समरिश प्रिंट मिल जाएगा, फ्रंट में भी, बैक में भी एंड स्लीव्स में भी. इसके स्लीव्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी. ये देखिए कुछ इस तरह की पफी स्लीव्स इसमें दी गई है, यहाँ तक ये स्लीव्स आ रही है, हाफ स्लीव्स हैं. और इसमें आपको छोटा सा राउंड नेक मिल जाता है, बाकी नीचे से इसमें कुछ इतना फ्लेयर है. जैसे ये पिक में नज़र आ रही थी एग्जैक्टली सेम वैसे ही है, लेकिन मुझ पर कुछ डिफरेंट ही लग रही है. तो मुझे अपने ऊपर ये जो ड्रेस है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी. अगर आप स्लिम ट्रिम है, आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग ये ड्रेस आ जाती है, क्योंकि आई थिंक मैंने थोड़ी सी लूज़ परचेज कर ली. मुझे इसे लार्ज साइज़ में परचेज़ करना चाहिए था एंड ये मैंने एक्सल साइज़ में परचेज कर लिया है. इसी वजह से आई थिंक इसकी फिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है. एंड बैक साइड में भी आपको ये छोटा सा राउंड नेक मिल जाता है, बिल्कुल गले से लगता हुआ. और यहाँ पर ये की होल दिया गया है ब्लैक कलर के बटन के साथ, की होल के शेप में कट दिया गया है. तो पीछे से भी बिल्कुल सेम है. तो इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम फ्लोई सी समरिश ये ड्रेस है. अगर आप किसी बीच वकेशन पे जाने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम के लिए जो ड्रेस एकदम परफेक्ट रहेगी. इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका फैब्रिक, मुझे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इस ड्रेस के कैटलॉग में आपको और भी अलग अलग तरह की ड्रेसेस मिल जाएंगी, तो अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं. और ये ड्रेस आपको ओनली 420 रुपीज़ में मिल जाएगी. तो ये क्यूट सी नी लेंथ की फ्रॉक स्टाइल ड्रेस है, तो अगर आपको इस तरह की ड्रेस पहनना पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस. जो नेक्स्ट ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग कलर और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से फैब्रिक में है. ये रेउन फैब्रिक की ड्रेस है एंड ये है काफ लेंथ की ड्रेस. जी हाँ, मुझे ये काफ लेंथ तक ही आ रही थी एंड ये पहनी हुई और पिक में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसे ट्राई करके देखना चाहिए. उसमें भी आपको और दो कलर्स मिल जाएंगे. आई थिंक मस्टर्ड येलो कलर है एंड दूसरा कलर मुझे याद नहीं है. सो दिस इज़ हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. और इस ऑल ओवर ड्रेस में आपको ये पोल्का डॉट्स मिल जाएंगे वाइट कलर के. इसका जो नेक है मुझे हल्का सा डीप लगा, हल्का सा थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा डीप था. तो अगर आप भी मेरी तरह इतना डीप नेक नहीं पहन पाते हैं तो एक फैब्रिक आता है, कोई एक चीज़ आती है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आप उसे यहाँ पर नीचे की तरफ से लगा देते हैं तो उतना ज़्यादा डीप नेक आपको ये नहीं लगेगा और इस ड्रेस को आप कंफर्टेबली पहन पाएंगे. वो आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. और ये है एक स्लीवलेस ड्रेस. तो ये वी नेक लाइन है और इसके सेंटर से स्टार्ट हो जाते हैं बटन्स, कुछ इतने बड़े साइज के बटन्स हैं. तो ये बटन डाउन ड्रेस है और ये सारे ही बटन्स ये आप देख रहे हैं ये सभी ओपनेबल हैं. तो अगर आप इसे एज अ श्रग पहनना चाहिए ड्रेस को तो भी पहन सकते हैं. और यहाँ से स्लिट स्टार्ट हो जाता है, कुछ इतना ही स्लिट फ्रंट में आपको मिलेगा.
और इसके सेंटर में आपको कुछ इस तरह से एक बैंड मिल जाएगा जिससे इसका लुक ही बदल जाता है। देखिए कुछ इस तरह का बैंड आपको इस ड्रेस के वेस्ट एरिया में मिल जाएगा, फ्रंट में भी दिया गया और बैक में भी। मैंने गलती ये की कि जो इसमें ये बेल्ट भी मिल जाएगी आपको, मैंने ये फ्रंट में टक कर ली। तो अगर आप इस बेल्ट को बैक साइड में टाई करेंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगी ड्रेस। और ये ड्रेस की लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट लगी, कंफर्टेबल लेंथ है और फैब्रिक तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा सॉफ्ट रेयन फैब्रिक इस ड्रेस में दिया गया है जिसे आप पूरे दिन आराम से पहन सकते हैं, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोई सी क्यूट सी ड्रेस है, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और डीप नेक का तो सॉल्यूशन मैं आपको बता ही दिया है। एंड दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम ब्रांड हर्पा और इसमें मेरा साइज लार्ज है। आई थिंक इसलिए जो ड्रेस है ना मुझे हल्की सी बस्ट एरिया से टाइट लग रही थी, मुझे इसमें एक्सेल साइज परचेज करना चाहिए था। मुझे लगा कि ड्रेस में तो मुझे लार्ज साइज आ जाता है। एंड ये ड्रेस आपको मिल जाएगी ओनली 750 रुपीज में। तो नेक्स्ट ड्रेस भी काफी क्यूट सी ड्रेस है और ये है मरून कलर में। इस ऑल ओवर ड्रेस में छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए गए हैं और इस तरह का जो प्रिंट होता है समर्स में काफी ज्यादा सुंदर लगता है, स्पेशली अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो। सो मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी काफ लेंथ की ड्रेस है लेकिन मुझे ये लूज़ आ रही थी क्योंकि इसमें मैंने एक्सल साइज परचेज किया तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लार्ज परचेज करती हूँ तो थोड़ा सा टाइट आता है, एक्सल परचेज करती हूँ तो लूज़ आता है, तो मैं क्या करूँ। तो इस ड्रेस के ट्राई ऑन के टाइम पे मैंने एक बेल्ट पहन ली थी जिससे इसका लुक ज़्यादा बेटर लग रहा था, अदरवाइज एक कुर्ती की तरह लग रही थी जो ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही थी। तो आई थिंक मुझे इसे लार्ज साइज में परचेज करना चाहिए था, उसके बाद इसका लुक और ज़्यादा बेटर आता। तो इसमें कुछ इस तरह की नेकलाइन मिल जाएगी दीपक की शेप में और ये भी एक बटन डाउन ड्रेस है। इसमें छोटे छोटे क्यूट से ये बटन्स मिल जाएंगे वाइट कलर के और ये सारे बटन ओपन नहीं होते आई थिंक, हाँ सिर्फ ऊपर के दो बटन ही ओपनेबल हैं, बाकी इनमें से कोई भी बटन ओपन नहीं होता। एंड इसमें नीचे की तरफ इनफ फ्लेयर आपको मिल जाएगा। तो ये एक ए लाइन पोलिएस्टर फैब्रिक में काफ लेंथ की ड्रेस है एंड इसमें कोई लाइनिंग अटैच नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी सी थ्रू फैब्रिक नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस ऑल ओवर ड्रेस में आपको ये क्यूट सा छोटा छोटा फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा और इसमें दी गई है एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स। इसके स्लीव्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसके स्लीव्स में ना सेंटर में इलास्टिक लगाया गया है जिससे थोड़ी सी सिंच हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी लग रही है। तो इस ड्रेस में आपको दो और कलर्स मिल जाएंगे, ग्रीन है एंड ब्राउन है, दोनों ही शेड समर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, कोई भी शेड आप इनमें से परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो ड्रेस है ओनली 464 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और इन सभी ड्रेसेस के साथ कैरी करने के लिए जो बैग मैंने लिया है वो है क्यूट सा बैग। देखिए ये ड्राई ग्रास से बनाया गया है लेकिन इसका साइज मुझे लगा था थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा, लेकिन छोटा सा बैग है लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। और इसमें आपको ये वुडन का ही हैंडल मिल जाता है राउंड में एंड अंदर से कुछ इस तरह का ही देख सकते हैं। तो इसमें आपका सनस्क्रीन, छोटा सा वॉलेट एंड छोटी मोटी चीज़ें तो आराम से आ जाएंगी। क्वालिटी मुझे ओके ओके लगे, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये बैग नहीं है लेकिन अगर आप किसी बीच वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो ड्रेसेस के साथ ये बैग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बैग आपको मिल जाएगा 799 रुपीज़ में। तो ये है कुछ इस तरह के ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की ड्रेस और इस ऑल ओवर ड्रेस में ना डेजी फ्लावर्स बनाए गए हैं। देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट इस ऑल ओवर ड्रेस में मिल जाएगा। ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी, अगर आप टीनेजर हैं कॉलेज भी जाते हैं तो ये जो ड्रेस है आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो ये भी पोलिएस्टर फैब्रिक की ड्रेस है लेकिन कंफर्टेबल फैब्रिक है, बिल्कुल भी गर्मी इसमें भी आपको नहीं लगने वाली है। एंड मुझे ये आ रही थी नी लेंथ तक की, हल्की सी नी लेंथ से नीचे थी तो कम्फर्टेबल लेंथ थी इसकी। तो इसमें कुछ इस तरह की नेकलाइन दी गई है, इसकी जो नेकलाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ पर ये क्यूट सी बो बनाई गई है। इसकी स्लीव्स मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी, देखिए यहाँ पर ये इलास्टिक लगाया गया है और नीचे की तरफ ये फ्रिल है, तो इसकी जो स्लीव्स है पहनने पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। इसे मैंने ना ऑफ शोल्डर की तरह से पहना था लेकिन आप इसे इस तरह से भी पहन सकते हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और नीचे से भी इसमें फ्रिल दी गई है तो इसकी जो फ्लेयर है ज़्यादा नहीं लेकिन जिस तरह का इसका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है एंड ये बिल्कुल भी सी थ्रू फैब्रिक नहीं है तो आप इसे कंफर्टेबली पहन सकते हैं। एंड इसमें मेरा साइज लार्ज है और इसकी फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट लगी। अगर आपकी हेल्थ मेरी जैसी है तो आप एक्सल साइज भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे लेकिन एल साइज भी एकदम परफेक्टली आ जाएगा। तो इस ड्रेस में ना आपको एक और कलर मिल जाएगा, पिंक कलर में ये ड्रेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है पहना हुआ लेकिन ये कलर मुझे लेना ही था किसी भी एक ड्रेस में तो मैंने ले लिया। तो ये जो कलर है ना समर्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है, पूरे दिन फ्रेश फील करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है कलर।
एंड ये ड्रेस आपको मिल जाएगी ओनली 538 रुपीज़ में। तो आप इस ड्रेस को डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, मेरी ये फेवरेट ड्रेस है क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक में और इसकी फिटिंग क्या आई थी, पहनने के बाद काफ़ी सेक्सी एंड बहुत प्यारी लगती है। तो आप इस ड्रेस को भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर पीसेस आपको इस वक्त मिल जाएंगे। ये उस टाइम पर स्टॉक आउट हो गई थी लेकिन अब ये फिर से अवेलेबल है, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये जॉर्जेट फैब्रिक में है एंड इसमें वी शेप में नेकलाइन है, थोड़ी सी डीप है, ज़्यादा नहीं है। तो आप इसे अगर चाहें तो यहाँ पर एक पिन लगा सकते हैं, पिन के साथ टक कर सकते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा डीप नेक नहीं लगेगा। और ये अंगरखा डिज़ाइन में ये जो है ड्रेस है और ये एकदम ओपन है, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको एक पिन लगानी ही पड़ेगी। तो इस ऑल ओवर ड्रेस में आपको कुछ इस तरह का छोटा छोटा फ्लावर का प्रिंट मिल जाएगा, भरा हुआ प्रिंट है ऑल ओवर ड्रेस में। इसका ड्रेस का फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड थ्री क्वार्टर स्लीव्स मिल जाएगी इस तरह के फ्रिल डिज़ाइन में, डबल लेयर की फ्रिल इसमें लगाई गई है और इसके नीचे लाइनिंग नहीं है स्लीव्स के नीचे। एंड इस ड्रेस में जो लाइनिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली ड्रेस। एंड इसमें आपको ये बेल्ट मिल जाएगी, अटैच्ड ये बेल्ट है, अलग से नहीं है। सेंटर से जो ड्रेस है थोड़ी सी फिटेड है और सबसे नीचे इसमें आपको ये हैवी फ्रिल मिल जाएगी, जिसकी वजह से ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। इस ड्रेस का फैब्रिक, इसका प्रिंट, कलर सब कुछ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो इसकी फिटिंग। इसकी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये थी कुछ इस तरह की ड्रेस। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट ड्रेस, ये जो ड्रेस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी फिटिंग, इसका फैब्रिक, इसका कलर, ओ माय गॉड। और ये जो ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, वैलेंटाइंस डे पे मैंने आपको दिखाई थी, ये रेड कलर में मैंने आपको दिखाई थी एंड उस टाइम पर मैंने आपको कहा था कि ये जो ड्रेस मैं दूसरे कलर में भी ज़रूर परचेज करूँगी और मैंने फाइनली परचेज कर ली है। ये ड्रेस आती है शोल्डर स्ट्रैप्स के साथ, ये देखिए कुछ इस तरह की ड्रेस है। तो सभी इस तरह की ड्रेस पहनने में कम्फर्टेबल नहीं होती, लेकिन आप इसके साथ ना श्रग पहन सकते हो, उसके बाद आप इसे कम्फर्टेबली पहन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सॉलिड पेस्टल पिंक कलर की काफ लेंथ की ए लाइन ड्रेस है और इसका फ्लेयर भी अच्छा खासा दिया गया है, जिसकी वजह से इसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है। एंड दिस ड्रेस इज फ्रॉम ब्रांड आह्वान और इसमें मेरा साइज लार्ज है और इसकी फिटिंग जैसा कि मैंने कहा कि जबरदस्त आ रही है। तो अगर आपकी भी हेल्थ मेरी जैसी है तो आप इसमें लार्ज साइज परचेज कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसे आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। एंड ये ड्रेस आपको और भी काफी सारे कलर्स में मिल जाएगी और ये आपको ओनली 409 रुपीज में मिल जाएगी। तो ये मस्ट मस्ट बाय ड्रेस है, अगर आपको पसंद आती है इस तरह की ड्रेस आप पहनने में कंफर्टेबल है तो आप इस ड्रेस को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी आज की सारी ड्रेसेस और ये बैग, आपको इनमें से कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि जो वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड फॉर माय न्यू अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज pink.brownie। सो फिर मिलती हूं मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।